करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगी, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये है पानी। जी हाँ, पानी की जादुई शक्तियाँ। क्या हमें मालूम है कि पानी के साथ भी हम सिंपल अपनी विश, कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, अपनी आज की कोई विश है आप ट्राई कर सकते हैं। शर्त, आपका ग्लास व्हाइट कलर का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे वो डिस्पोजल ग्लास हो या फिर प्लास्टिक की बॉटल हो, प्लास्टिक का ग्लास हो या फिर कांच की बॉटल हो, कांच का ग्लास हो, लेकिन कलर व्हाइट होना चाहिए। देखिए पानी ऐसी, अगर आप देखें तो पानी के आर पार हम बड़ी इजीली कुछ भी देख सकते हैं। लाइक मेरी फिंगर्स दिख रही हैं, मेरा क्रिस्टल दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूँ, आप सब लोग हैं, मेरी आईज दिख रही है बड़ी बड़ी जो पानी में हो गई है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल इस ग्लास या बॉटल आप कुछ भी लेते हैं, किसी भी दिन से वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ट्यूजडे और सैटरडे को मत कीजिए। इसके अलावा आप किसी भी डे से स्टार्ट कर सकते हैं इस टेक्निक को। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब आपको इसमें एक नंबर लिखना है, नंबर इज 1176। ध्यान से सुनिए नंबर 1176। नंबर को आपने लिखना है ब्लू कलर के पेन से या फिर रेड कलर के पेन से या फिर ग्रीन कलर के पेन से। आपको ब्लैक कलर का पेन यहाँ पे यूज नहीं करना है, तभी मैंने आपको पहले ही तीनों पेन बता दी है, बट ब्लैक कलर का पेन यूज नहीं करना है। प्लेन कलर का प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, बिल्कुल छोटा सा, जिसपे नंबर लिखा जाए 1176 लिखिए। आप इस ग्लास में कहीं पर भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी, ग्लास बॉटल आप कहीं पे भी नंबर लिखिए। जरूरी नहीं अब आपको विश करनी ही करनी है, विश बोलनी ही बोलनी है, अब आप सिंपली इस बॉटल से, इस ग्लास से ही डेली पानी पीजिए तो बहुत अच्छा। बट इसमें आपको ये नहीं कि ग्लास खाली अपने नंबर लिख दो, पानी भरा और पी लिए, नहीं। मेरी आदत है जैसे ग्लास है तो इसमें पानी में भर के रखती हूँ, जब मर्जी बनाए पीते रहती हूँ। पहली चीज, इसमें मैं जो भी मंत्र रोची करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेरे पास ये पानी पड़ा रहता है, तो उसकी जो तरंगे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेडिटेशन हम करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसकी तरंगे उठती हैं, वाइब्रेशन। जैसे कि फोन यहाँ पे पड़ा है ना, जिसको मैंने फोन टेबल पे रखा है ना, तो जब फोन वाइब्रेट होता है तो क्या होता है, फोन के साथ साथ टेबल पर पड़ी हुई आसपास की चीजें भी हिलनी शुरू करती है, शेक करती है ना, वाइब्रेट करती है। सेम वैसे होता है जब पानी को हम अपने पास रख लेते हैं, हमारे पॉजिटिव थॉट्स भी अपने अंदर अब्सॉर्व करते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी अपने अंदर अब्सॉर्व करते हैं, राइट। आप कभी भी देखेंगे तो मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ पानी या मेरे घर का पड़ा हुआ पानी दशहूर माता रानी की मेहर से बिल्कुल प्लेन होता है, एकदम शांत। शांत पानी मतलब पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं मैं इंसान हूँ, मैं भी नेगेटिव होती हूँ, मुझे पानी से पता चल जाता है। मैं बाहर से अभी अंदर जाकर आऊँगी तो पानी में बबल्स आ जाएंगे, इट मीन्स बाहर की हवाओं का असर, जो मैं लेकर आई हूँ, अच्छी हवा भी है, बुरी हवा भी है, मेरे ऑफिस में कोई आ जाए एकदम से पानी में बबल्स आ जाएंगे, इट्स कॉल्ड नेगेटिविटी। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर बहुत जल्दी हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो रंग हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, पानी अपने अंदर सोख लेता है। तो हमारे पास पानी जैसी बहुत ज़बरदस्त शक्ति है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। इच्छा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये आपको डिपेंड करता है, बाकी कर्मस हमारे लिखे जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों, ये भी हमें सब पता है। तो आपकी इच्छा कुछ भी हो, आप पानी भर के रख दीजिए, 2 सेकंड के लिए उसको देखते रहिए, प्रे करते रहिए भगवान से, और साइड पर पड़ा है पानी, चाहे उसको ढक के रख दीजिए, बॉटल है या कुछ भी। अब जब भी आप पानी पियेंगे तो गहरी सांस भरकर 1 सेकंड के लिए आपको अगेन पानी में प्रे करना है, उसको देखकर विश करनी है, आपकी जो भी इच्छा है आपने वो पानी पी लेना है। पूरा दिन आप वो पानी पीते रहिए, विश आपकी एक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट पहले आप एक विश पूरी कीजिए, उसके बाद दूसरे पे जंप कीजिए, क्योंकि 2, 4, 5 से कराएंगे, हो सकता है फिर आपकी एक भी ना हो, राइट। तो बस इतना सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी टेक्निक कह लो या रेमेडी कह लो, लेकिन मैं इसको एक्सरसाइज बोलूँगी। यस, ये एक बड़ी ही माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज है, आप डेली कीजिए, 41 to 43 days में आप कीजिए, इससे आपको डेफिनेट रिजल्ट्स आने ही आने हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।